हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। इससे पहले राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ समेत दिग्गजों ने प्रचार किया। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साधा, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खटाखट कहने वाले सफा चट हो चुके। राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान। तो देखिए, ये इस समय हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो गठबंधन पर, महायुति के गठबंधन पर जो सहमति बन गई है, 150 से 160 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 80 से 85 एकनाथ शिंदे गुट के खाते में जा रही हैं। ये उस समय की तस्वीरें हैं। और अब हम हरियाणा की खबर का रुख करेंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राहुल गांधी के ऊपर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो खटाखट कह रहे हैं वो सफाचट हो जाएंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे। यूपी में पहले हर दूसरे दिन दंगे होते थे, अब माफिया जेल में है या फिर जा चुके हैं। आज यूपी में दंगा नहीं होता है, ये योगी आदित्यनाथ ने आज कुरुक्षेत्र की चुनावी रैली में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर जिक्र किया। 2017 के पहले कैसी सरकार थी आपको एहसास होगा, हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, गुंडागर्दी चरम पर थी, बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी का कोई सम्मान नहीं रह गया था, नौजवान को नौकरी नहीं मिलती थी। आज आप जाके देखिए यूपी के अंदर जितने बड़े माफिया थे, गुंडे थे, ये सब गुंडे और माफिया या तो जेल में है या राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता है, 7.5 वर्ष में कोई दंगा यूपी के अंदर नहीं हुआ।